प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिंदगी को बदल दिया है, गंदगी को हटा दिया है, जिंदगी को बदल दिया है, गंदगी को हटा दिया है, जिसने सूली को लिया है वही है मेरा प्रभु, देता है दिल को आराम। जिसने सूली को लिया है वही है मेरा प्रभु, देता है दिल को कितना प्यारा यीशु, देता है दिल में शांति, हे कितना न्यारा यीशु, देता है दिल में आशा, हे कितना प्यारा यीशु। आज का संदेश एवेंजेलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को जल दाने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। मेरा पिछले संदेशों में परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में हमने विचार किया है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, वह कोई प्रभाव या बिजली के समान शक्ति या अंधे की शक्ति नहीं है, उसमें एक व्यक्तित्व है। आज हम परमेश्वर का कुछ स्वभाव के बारे में विचार करना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहते हैं परमेश्वर आत्मा है। लूका जिस समाचार करके बाइबल में किताब है उसका 24 अध्याय का 39 पद में प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों से कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता। बाइबल कहते हैं परमेश्वर आत्मा है। आत्मा में कोई रूप नहीं जो मांस और हड्डी नहीं होता है। इसलिए यूहन्ना रचित समाचार बाइबल का एक किताब है उसका 4:24 पद में बताते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना करे। प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर को गलत रीति में समझ करके रखा है। हमारा विचार है जो मूर्ति में नहीं तो और कोई रूप में हम परमेश्वर को देख सकता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर आत्मा है। एक और बाइबल का आयत में पढ़कर सुनाना चाहते हैं आपके सामने, जो पगला तिमोथियुस का किताब पगला अध्याय इसका 17वां पद में कहते हैं, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखी अद्भुत परमेश्वर, मतलब परमेश्वर कभी नाश होने वाला नहीं, परमेश्वर को किसी को देख नहीं सकता है। वही किताब में 6वां अध्याय का 16वां पद में बताते हैं, और अमरता केवल उसी का है, वह अगम ज्योति में रहने वाला है और ना उसे किसी मनुष्य को देख सकता है और ना कभी देख करके जीवन बिता सकता है। कहने का मतलब परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर आत्मा है, ये बात हमें समझना है। हमारा जो भारत में बहुत सा देवी देवता होता है, कई मूर्तियों का हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर अगम ज्योति में रहने वाला आत्मा है।
वही अद्भुत परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता रहा है। अन्य जातियों का उनके देवी देवताओं का तुलना में हमारा परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं मालूम है? परमेश्वर एक ही है। जो बाइबल में पुराना नियम का किताब है, व्यवस्था विवरण का किताब, छठवां अध्याय का चार पद में बताते हैं, हे इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और आगे और बताते हैं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर है नहीं है, धर्मी और उद्धार करता ईश्वर मुझे छोड़कर कोई नहीं है। आज मैं नम्रता के साथ आपको यह बात बताना चाहता है, सारा ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारा जगत को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आत्मा है, अद्भुत ज्योति में रहने वाला है, अद्वैत परमेश्वर है, हमारा आंखों से देख नहीं सकता, उसको छोड़कर कोई जीवित परमेश्वर नहीं है। ओ परमेश्वर 2000 साल पहले इस संसार में आया, सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए खुद मनुष्य का रूप धारण किया, 335 साल इस संसार में जीवन बिताया, उसके बीच में उन्होंने बहुत सा चमत्कार किया, लेकिन केवल चमत्कार करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं आया, भले वो इस संसार में रहते कुछ चमत्कार तो करके दिखाया, उन्होंने हम सबका पाप का जब बोझ अपने ऊपर लेकर सारा मानव जाति के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। बाइबल कहते प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन काल का अंत में उनको ऐसा सजा भोगना पड़ा, दो डाकुओं के बीच में बड़े डाकुओं के समान यीशु मसीह अपना जान दे दिया। वो तो ना तो कोई गलती किया, उनके मुंह में कोई चलका बात नहीं निकला है, लेकिन सारा मानव जाति का पाप उनके ऊपर पिता परमेश्वर ने डाल दिया, जिसके द्वारा वो हमारे लिए पाप बन गया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। आज बाइबल कहते स्वर्ग में विराजमान है, दोबारा आने वाला है। यदि आप आत्मरक्षा पाना चाहता है, आत्मा का मुक्ति और पाप क्षमा पाना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, आज स्वर्ग में जाना चाहता है, इस यीशु मसीह आपको बुला रहा। यदि आज आप यीशु मसीह को अपना हृदय में स्वीकार करें, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु के रूप में अंगीकार करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप पाप से मुक्त पाएगा और कोई भी कर्म करने का जरूरत नहीं, केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से आपको परमेश्वर का बेटा बन सकता है, बेटी बन सकता है। आज का वचन का सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमेन।